हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग शॉर्टकट ट्रिक समझने की कोशिश करेंगे। शॉर्टकट ट्रिक कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद करना है एग्ज़ाम में, उस चीज़ को डायरेक्टली बिना कन्फ्यूजन के याद कर सकते हैं। जैसे पहला हम लोग क्या देख सकते हैं, आइसोटोप्स। टोप्स का मतलब क्या होता है, ये टोप्स आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग कंफ्यूज होते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे, बट हम लोग ये सोचने की कोशिश करेंगे कि आइसोटोप्स लिखा है तो टोप्स का मतलब क्या होता है, जो भी वेरिएशन होगा वो टोप में होगा और टोप में ये होता है टोप, तो ये टोप का वेरिएशन हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ तो सेम होगा लेकिन टोप्स में प्रॉब्लम होगा, तो प्रॉब्लम होगा तो अलग अलग लोगों में तभी तो प्रॉब्लम होगा, तो मास नंबर अलग होगा और एटॉमिक नंबर सेम होगा, उसको आइसोटोप्स बोलते हैं। दूसरा आता है जस्ट उसका उल्टा, आइसोबार। जब टोप्स में प्रॉब्लम है तो अब क्या होगा, नीचे का प्रॉब्लम होगा, तो नीचे मतलब आइसोबार में नीचे का प्रॉब्लम, तो नीचे क्या होगा, अलग अलग, मतलब एटॉमिक नंबर क्या होगा, अलग अलग। हम लोग जानते हैं नीचे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर, और ऊपर में मास नंबर। तो नीचे जो लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर वो क्या होगा, अलग अलग होगा, और मास नंबर क्या होगा, सेम होगा। और आइसोटोन्स क्या होते हैं कि दोनों का जो डिफरेंस होगा, मास नंबर और एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस होगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, जैसे 14 माइनस 6 इक्वल टू 8 आया और 16 माइनस 8 इक्वल टू क्या आया, 8 आया, तो ये क्या होता है, ये आइसोटोन्स होता है। अगला क्या हम लोग बोल सकते हैं, फ्यूज़न। फ्यूज़न में एग्ज़ाम में आता है क्या कि सन में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, फीजन हो रहा है या फ्यूज़न हो रहा है, तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। फ्यूज़न में यू दिख रहा है और सन में भी यू दिख रहा है, फ्यूज़न में यू दिख रहा है और सन में भी यू दिख रहा है, तो सन में कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा, फ्यूज़न रिएक्शन हो रहा होगा। और एटम बम भी क्या है, सन जैसा बहुत बड़ा क्या है, रिएक्शन हो रहा है, तो एटम बम में भी क्या होगा, फ्यूज़न रिएक्शन होगा। और फ्यूज़न रिएक्शन किस में होता है, जैसे यूरेनियम टुकड़ा टुकड़ा करके छोटा छोटा बढ़ जाता है, वहाँ पे यूरेनियम होगा। और अगला कौन सा होता है, मायोपिया, जो हमारे फिजिक्स में आता है मायोपिया। मायोपिया में कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है, कन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में बस ये याद रखना है क्या कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया देखो स्पेलिंग बहुत बड़ा है ना, हाइपरमेट्रोपिया में स्पेलिंग बड़ा है, इसका मतलब हम दूर तक बोलेंगे क्योंकि बोल भी रहे हैं हाइपरमेट्रोपिया, टाइम लग रहा है, ज़्यादा दूर देर तक बोल रहे हैं तो ये ज़्यादा दूर तक दिखाई देता है, उसको क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया। सही से जिसको दूर तक दिखाई देता है उसको क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया। तो पास को नहीं दिखाई देता होगा, पास इसको नहीं दिखाई देता लेकिन दूर तक देख सकता है, उसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, क्योंकि स्पेलिंग भी बहुत बड़ा है तो बहुत दूर तक देख रहा होगा वो। उसका उल्टा मायोपिया, मायोपिया में क्या होता है कि वो इससे तो छोटा है, मतलब छोटा मतलब पास को देख पा रहा होगा, दूर को नहीं देख पा रहा होगा, तो ये मायोपिया होगा। अच्छा, मायोपिया को करेक्शन करने के लिए हम लोग कौन सा मिरर लगाते हैं, कॉनकेव, और हाइपरमेट्रोपिया को कॉनवेक्स। अब कन्फ्यूजन होगा कि कॉनकेव और कॉनवेक्स किसे याद करना है, तो ऐसे भी सोचो ना, जिसका स्पेलिंग ज़्यादा है, कॉनवेक्स दूर तक और वीएक्स ये भी दूर तक आ रहा है, कॉनकेव में तो कम ई पहले आ जा रहा है लेकिन एक्स दूर तक आ रहा है, इसलिए कॉनवेक्स यहाँ पे होगा। फोकल लेंथ भी हम लोग भूल जाते हैं कभी कभी कि लेंस और मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेंस हो या मिरर हो दोनों के लिए सेम होगा, बस याद क्या रखना है, किसका पॉजिटिव किसका नेगेटिव, बस। कॉन्वेक्स में क्या आ रहा है, एक्स, एक्स पॉजिटिव में एस आता है ना, पॉजिटिव एस, कॉन्वेक्स पॉजिटिव, तो उसमें क्या होगा, पॉजिटिव प्लस होगा, कॉन्वेक्स बोलने में आ रहा है कॉन्वेक्स पॉजिटिव के साथ। और कॉनकेव उसका उल्टा नेगेटिव होगा। अगला आता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, तो कुछ भी याद नहीं रखना, FON क्या याद रखना है, FON फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंबाइन विथ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन के साथ वो कंबाइन करके बॉन्ड बनाता है FON, बस याद रखना है FON। और यहाँ से क्वेश्चन और बन जाता है क्या कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरा पीरियोडिक टेबल में कौन सा है, तो फ्लोरीन हम लोग बोलेंगे, दूसरा नंबर पे कौन सा, ऑक्सीजन, तीसरा नंबर पे नाइट्रोजन, अगर ये तीनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एक फार्मूला आता है क्या, बेकिंग सोडा, अगर ये बेकिंग सोडा होता है ना तो बेकिंग सोडा का जो फार्मूला होगा वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा या सोडियम कार्बोनेट होगा, तो कुछ नहीं याद रखना है, बी से बाइकार्बोनेट, बी से बाइकार्बोनेट
और बी से बेकिंग सोडा, बी से बाइकार्बोनेट और बी से बेकिंग सोडा। तो इसका हम लोग याद रख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इससे हम लोग इस चीज़ को याद कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।